प्रणाम, हाय, खुशामद्दीन। मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, आज जिस पिक्चर के बारे में बात करने जाने वाले हैं उस पिक्चर का नाम जज मेंटल है क्या। बाकी ये पिक्चर तो एक मेंटल लोगों की तरह ही है। मेरे को एक पिक्चर में कहीं ना कहीं मेरे को कोई स्टोरी दिखाई नहीं देता है और ना कोई कुछ लॉजिक बनता है। सब कुछ अचानक अचानक पिक्चर में आता है। इसमें सब अपने कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह निभाए हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रोल तो आप सब जानते ही होंगे कंगना राउत ने किया होगा। आगे कंगना राउत ने काफ़ी अच्छा है, उन्होंने एक्टिंग किया है। जो जो उनको रोल दिया गया है, जिसके हिसाब से उन्होंने अपना आपको प्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने। और राजकुमार राव जो काफ़ी अच्छे एक्टर है, आज के फेमस एक्टरों में से वो भी गिने जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। और जिमी सैरगिल, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। मेरे को कोई स्टोरी में कोई दम नहीं लगा। इसमें स्टोरी कुछ है नहीं, जैसे पहली बार कहने लायक इस पिक्चर में। तो कंगना राव दरअसल एक उनके में एक छोटी सी एक बीमारी होती है, जो बचपन से थोड़ी मन मन जैसे कैसे कहते हैं उसको, एक मन की बीमारी होती है। वो अब कोई भी दरअसल इसमें एक डबिंग आर्टिस्ट की तरह का आर्टिस्ट की काम करती है, जो उनको बचपन से एक भूत सवार होता है कि मेरे को एक हीरोइन बनना है। तो जो कैरेक्टर के लिए वो डबिंग आर्टिस्ट करती है, तो उसी तरह वो लोग वो करने चालू हो जाती है। वैसे कपड़े पहनना, वैसा करना, वैसे नखरे करना। जैसे इसमें राजकुमार जो हीरो जो है, राजकुमार जो आते हैं अपनी वाइफ के साथ, जो वाइफ की रोल की है आमिर दस्तूर, तो एक हस्बैंड वाइफ बन के कपल जो कंगना राउत के घर में एक टेनेंट बन के आते हैं, फिर उनकी वाइफ का एक्सीडेंट में चल के मर जाती है। और ये दरअसल इसमें क्या होता है कि पुलिस को शक होता है कि किसने किया ये मर्डर, कंगना राउत ने किया या राजकुमार राव ने किया। ये कन्फ्यूजन पे जाता है और ये स्टोरी आखिर तक सस्पेंस की तरह जाता रहता है। और स्टोरी में कुछ है नहीं, जैसे इसमें कोई पीछे में कोई स्टोरी है नहीं। अगर आप कंगना राउत के फैन हैं, अगर राजकुमार राव के फैन हैं, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना अपना रोल, अपना अपना कैरेक्टर, अपना किरदार काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने निभाया है। इसमें एक्टिंग कह सकते हैं, तो स्टोरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ तक कि लॉजिक तो ठीक है कुछ हद तक कोई सीन में, पर डायरेक्शन अच्छा है, पर इसमें कोई स्टोरी नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी गलतियाँ मेरे को बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज़ टेक केयर, बाय।